गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज का हमारा काम पाठ हमारा चल रहा है वे दिन भी क्या दिन थे। पहले है कठिन शब्द महत्वपूर्ण, पृष्ठ, स्थिर, पर्दे, सामग्री, विद्यार्थी, गृह कार्य, उबाऊ, बुद्धू, मोहल्ले, स्त्रियां, इच्छा, आरंभ, सबक, स्वर, संभव, पुर्जे, रफ्तार, नियमित और वर्णन। इन शब्दों को बच्चों आप लिखेंगे और याद करेंगे। आप चाहें तो इन शब्दों को एक एक बार आगे और भी लिख सकते हैं और इन्हें याद करिए बच्चों, तभी आपका शब्द भंडार बढ़ेगा। अगला काम है आपके लिए शब्द और अर्थ। पृष्ठ यानी पेज या पन्ना, यही पन्ना जो अभी हम पलटते हैं। अगला है गृह कार्य यानी घर का काम। आरंभ यानी शुरू, भिन्न यानी अलग, उबाऊ यानी बोर करने वाला, रफ्तार यानी गति, उत्सुकता जानने की इच्छा, सबक यानी पाठ, सिलसिला क्रम, पुस्तक यानी किताब, उत्सुकता मतलब अधीरता, प्रश्न यानी सवाल, आनंद का मतलब है खुशी, और अंक का मतलब है बच्चों नंबर, और विशेष का मतलब है बच्चों खास। विशेष का मतलब क्या है? खास। तो ये भी सारे शब्द आप लिखेंगे और साथ साथ आप याद भी करेंगे। आप चाहें तो जब भी मैं आपकी ऑनलाइन क्लास लूँगी, आप इनमें से किन्हीं 5 शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करिए, या खाली बैठे जब होते हैं तो हर शब्द का आप एक एक वाक्य बनाना सीखिए। ऑनलाइन क्लास में मैं आपकी ये वाक्य बनवा करके आपकी मैं इसकी प्रैक्टिस लूँगी, ठीक है ना। तो क्या काम था आज का? ये थे हमारा पहला काम, कठिन शब्द। मैंने कहा इन कठिन शब्दों को आप आगे लिखिए। वैसे मैं हमेशा 3-3 बार लिखवाती हूँ। 3 बार लिखने से क्या होता है, जैसे आपने एक बार लिखा, अगली बार आपने छुपा दिया इसको और फिर लिखा आपने इसको, ठीक है, और तीसरी बार भी आपने छुपा के लिखा, तो आपको पूरा अच्छी तरह से ये काम याद हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ आपका शब्द भंडार छठी तक जाने तक पूरा बढ़ जाए और आप अच्छे से अच्छा काम करें, ठीक है बच्चों। तो चलिए, ऑनलाइन क्लास का मैं किसी वजह से थोड़ा सा टाइम चेंज कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास को अटेंड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए, ओके बच्चों, आज का काम इतना ही।